Okay, students, now we will see the adverse effects of climate. Climate also affects human health on many levels. Short-term changes such as heat, waves and floods can impact health. These changes can also produce unhealthy water and even deplete a region's food supply. Heat-related illness usually rise during warmer months when the temperature rises far higher than average. Flood can contaminate crops and water, increasing the likelihood of food-borne and water-borne illnesses. In the long run, climate changes involving the planet's atmosphere can negatively affect human health. Changes in the ozone layer and levels of gases present in the air can increase the incidence of respiratory and breathing conditions such as asthma and allergies. Yes, students, जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा कि जो आबो हवा है इसका जो बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी ज़िंदगी पर और इसके साथ साथ हमारी जो सेहत है उस पर भी जो एडवर्स यानी कि बुरा असर पड़ता है बहुत सारी सतहों पर. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म जो चेंजेस आते हैं हीट वेव्स की वजह से, जो गर्मी की लहर होती है, इसके अलावा जो सैलाब होते हैं उनका भी बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है हमारी सेहत पर. और ये जो चेंजेस हैं क्लाइमेट के, आबो हवा के, ये जो बदलाव है, इससे अनहेल्दी वाटर जो है वो एक मसला इसका पैदा हो जाता है. और इसके अलावा जो फूड सप्लाई है वो भी कम हो जाती है इन सारे क्लाइमेटिक जो मसाइल हैं उनकी वजह से. हीट रिलेटेड इलनेस भी जो है वो यूजुअली बढ़ जाती है वार्मर मंथ्स में, यानी जो गर्म महीने होते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलनेसेज हैं ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती हैं. सैलाब जो है वो जो है फसलें तबाह कर देते हैं और वाटर की जो इंक्रीज है उसकी वजह से फूड के जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा वाटर बॉर्न जो यानी पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं वो जन्म ले लेती हैं. इसके अलावा अगर आप लॉन्ग रन में देखें, यानी कि अगर ज़्यादा टाइम पीरियड में देखें, तो क्लाइमेट चेंजेस इन्वॉल्विंग द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर कैन जी इससे जो हमारे पूरा जो अर्थ का प्लैनेट है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, वो माहौल बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है माहौल पर ये क्लाइमेट, और जिससे जो इंसान है उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है. चेंजेस इन ओजोन लेयर, जी जो ओजोन लेयर है वो भी चेंज हो गई है इसी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से. और इसके अलावा जो मुख्तलिफ गैसेस हैं हवा में वो भी जो है वो इंक्रीज कर रही हैं किसको, इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड ब्रीदिंग, जी सांस से जो मुतल्लिका बीमारियां हैं और जो कंडीशंस हैं जैसे कि अस्थमा एंड एलर्जीज वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि क्लाइमेट जो है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर, हमारी सेहत पर और इस पूरे प्लैनेट पर असरअंदाज होती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.